गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम आरके झा। टुडे आई विल टीच यू अबाउट द बेसिक्स ऑफ सर्कल। बच्चों, मैं राहुल झा आज आपको सर्कल के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर से और यहाँ बाउंड्री तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कंपास नीडल से आप ऐसे खींचते हैं तो वो नीडल का जो लेंथ होता है वो रेडियस कहलाता है, ठीक है। और इसके डबल यानी अगर इस रेडियस को यहाँ तक खींच दे तो वो डायमीटर कहलाता है, जो यहाँ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रेडियस सेंटर से यहाँ तक की दूरी, डायमीटर देखिए सेंटर होते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक के डिस्टेंस को कहते हैं, इसलिए रेडियस का दुगना डायमीटर होता है या डायमीटर का आधा रेडियस होता है। ये जो गोला बाउंड्री आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, यानी लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस। और ये जो इसका जमीन है ये एरिया कहलाता है, ये पूरा जो जगह है वो एरिया कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, सर्कल के अंदर सेंटर, यहाँ देखिए ये जो छोटा सा एक लाइन बना हुआ है इसको हम कॉर्ड कहते हैं। इसके बाद सर्कल के बाहर जो ये लाइन बना हुआ है इसको हम टेंजेंट कहते हैं, और अगर बाहर से अंदर तक चला जाता है उसको सेकेंड कहते हैं। अब यहाँ एक और चीज समझ लीजिए, बेसिक है इसलिए हम ज्यादा डीपली नहीं बताएंगे। ये जो है माइनर सेगमेंट कहलाता है और ये जो है मेजर सेगमेंट कहलाता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए एक यहाँ से खींच दे, ये वाला पोर्शन माइनर सेक्टर कहलाता है और ये बड़ा वाला मेजर सेक्टर कहलाता है, तो वो मैं फिर किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। अभी हम बेसिक सिर्फ आपको बता रहे हैं, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस, एरिया, कॉर्ड एंड टेंजेंट। अब यहाँ आ जाइए, जो फॉर्मूला संबंधित बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। देखिए, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, डायमीटर को डी से, सर्कमफेरेंस को सी से, एरिया को देखिए ए आर। यहाँ सर्कमफेरेंस बराबर फॉर्मूला होता है 2πr, पाई कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। 7 से अगर 22 में डिवाइड कीजिएगा तो यही आएगा, दोनों है। आमतौर पे ये वैल्यू हम रखते हैं, अगर क्वेश्चन में इंडिकेट है कि पाई का वैल्यू ये लेना है तब इसको लेते हैं। एरिया अगर है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, डायमीटर ऑफ सर्कल 2 × r यानी रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल डायमीटर बाई 2 और सर्कमफेरेंस बाई 2π। अगर डायमीटर दिया है रेडियस निकालना है तो उसमें 2 से भाग दे दीजिए, अगर सर्कमफेरेंस दिया है रेडियस निकालना है तो 2π से भाग दे दीजिए। अब इस तरह से आपका बेसिक जो है सर्कल का जानकारी हो गया, इससे आप बेसिक क्वेश्चन बना सकते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। थैंक यू।